चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व फॉर एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 34/15। तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो एक्स एन एक्स प्लस वन और ये होगा एक्स की होल स्क्वायर और ये एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34/15। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34/15। सो इम्प्लाइज दैट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34/15 एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो वी गेट इम्प्लाइज दैट 34x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस वन। नाउ वी मल्टीप्लाई सो 34x² प्लस 34x इज इक्वल टू 30x² प्लस 30x प्लस 15। सो इम्प्लाइज दैट 34x² प्लस 34x माइनस 30x² माइनस 30x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट 4x² माइनस प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 4 और 15 को मल्टीप्लाई करने से 60 आ रहा है और 60 का हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो गया आपका 30 फिर 2 से 15 5 से 3। तो एक तो 5 टू जै 10 ले लो और एक 3 टू जै 6 तो 10 में 6 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट 4x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट फर्स्ट वी टेक 2x फ्रॉम फर्स्ट टू पार्ट सो 2x प्लस 5 एंड 3 फ्रॉम लास्ट टू पार्ट 3 टू जा 6 सो इज इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 5 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू माइनस 5 और 2x इक्वल टू 3 सो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 अपॉन 2 सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।